ये हम तीन दोस्त सिंगल जो रिलेशन में है वो लेक्चर के बाद गायब हो जाती है ना सही। सिंगल लाइफ अच्छी है सिंगल। रात का सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो। सारे ठीक होंगे यार। आज 13वां रोज़ है और ट्यूसडे का दिन है। आज हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाने जाते जाते का एक व्लॉग बना दें कि रोज़ में हमारा कैसा रहता है, सारा सिस्टम वगैरह कैसा हमारा दिन गुजरता है यूनिवर्सिटी का, तो वो भी बताते हैं आप लोगों को। तैयार तो हो गया हूँ मैं, और जाके अपने कज़न को उठाते हैं, देखते हैं वो उठाए कि नहीं उठा। मेरा नहीं ख्याल कि वो उठा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये उठा होगा। एज यूजल भाई लेट ना करवाए हमें। कल हम इसलिए नहीं गए, कल थी बारिश हो गई यार। ठीक है, बारिश की वजह से हमें छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूर है, उसकी वजह से ना कल हम गए ही नहीं थे। तो आज हम जा रहे हैं, 8 बजे क्लास है, 15 मिनट रह गए क्लास स्टार्ट होने में। बस देखते हैं कि क्या सिस्टम है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उठा होगा, ये हमें लेट ही करवाएगा हमेशा ही करो। अभी तक दरवाज़ा भी नहीं खोला इन लोगों ने। ये देखें, आज रात को भी बारिश हुई थी थोड़ी सी, लेकिन अब शुक्र है धूप निकल आई है, मौसम ठीक है थोड़ा बहुत। वही हुआ जिसका डर था भाई, कोई नहीं उठे टाइम पे, अभी उठा के आया हूँ उसको। उतनी देर तक बाइक वगैरह साफ करते हैं, निकालते हैं बाइक को, अपना बैग शैग पैक है मेरा वो लेते हैं, तो बाहर आके खड़े होते हैं। और शुक्र है धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो आज कोई टेंशन नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। बहुत ज़्यादा बाइक भी गंदा हो गया था क्योंकि अंधेरी चली थी, तो उसकी वजह से ना बाइक आपका भैया उसे साफ करेगा। इसको आके भाई जान दिलवाते हैं, बाइक को भी टाइम ही नहीं मिलता रोजे में, बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता। क्या करे बंदा, काम ही ऐसे है। चलो जी साफ, अब जल्दी से चलें, बैग वगैरह अपना उठाएं। ठीक है, आज मेरा ख्याल आज ऐसे भी 2 लेक्चर हैं तो मज़ा आएगा, शॉर्ट पीरियड होंगे, 1-1 घंटे का लेक्चर है और 2 लेक्चर आज हमारे, 10 बजे हम फ्री हैं। तो बाकी आपको यूनिवर्सिटी का भी एक दिन किसी ना किसी दिन टूर करवाएंगे। बाकी बाइक निकालते हैं, बाहर फिर चलते हैं। बाइक निकाल ली है, ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं लेक्चर स्टार्ट होने में और अभी हम खा रही हैं। उम्मीद करता हूँ टाइम से पहुँच जाएंगे और सर कुछ नहीं कहेंगे। बाकी अभी अल्लाह के हवाले है, भाई तो तैयार होने में तैयार हो रहा है, उसको भी टाइम लगेगा। बाकी यूनिवर्सिटी पहुँच के आपको बताते हैं क्या। 20 मिनट्स लेटर ये भी लेट गया है हमारे साथ। क्या है ठीक है, लेट हो गया। यूनिवर्सिटी आ गए भाई। हेलो, ये पिछले काफर की वजह से भाई जान हम लेट हो गए हैं। सर क्या कहेंगे यार, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह करे सारी ना आए अभी तक।
कल भी नहीं आया, आज भी ना आया। ये अगर ना आते सोए रहते हैं तो प्यारा प्यारा मौसम भी ना मिलते। सोने बजे क्या सही और क्लासमेट ऑफ सेम। ये हमारा भाईजान पुराना क्लासमेट है। यार नु ये सही बात था, पहले क्या देख रहा दिखा रहा था कुछ भी नहीं भाईजान, कैमरे के अभी ओपन नहीं किया इनको, नहीं पता भाईजान अल्लाह माफ करे, आगे रोज है इनको दिखाना। हमारा डब्ल्यू ब्लॉक में भाईजान लेक्चर आगे 15 मिनट लेट हो गए हैं। मैं भाई 50 में घर से निकला हूँ। हमारे भट साहब नहीं उठते टाइम से। ये भट साहब लास्ट लेट है। पूरे 20 मिनट लेट। अटेंडेंस लगवा लेंगे भाई। ये हमारा डब्ल्यू ब्लॉक है, बस बिल्डिंग ही है और कुछ नहीं है अंदर से। हाँ जी भाई, यार मैंने आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं देते भाई। क्या हाल है, नींद में हो? हैं किधर रिप्लाई कर दिया? शुक्र है यार सर नहीं आए, बच्चों तो हुई है। कल तो वैसे छुट्टी थी बारिश की वजह से, कि आज हम जल्दी आ ही गए, मतलब लेट ही हो गए थे टाइम से, और सर नहीं है बहुत अच्छा। क्यों भी सही है यार आना, सर छुट्टी कराते हैं सर। हैं सर की छुट्टी कराते हैं, या अगर डॉक्टर साहब ने देख लिया ना, वो सर की भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। क्लास का सीआर है ये, हमारी क्लास का सीआर। सीआर मुंह नहीं धोया आपने, इतने बुरे लग रहे हो। आज तो धो गया। ये भाई लड़की से मिल के आया, बहुत खुश है। हैं आए कर लो। लड़की भी मिल गया है। क्या कहती है फिर भाई जान? लड़की कहती है गेट रेडी दोस्त, होना है बात नहीं थी ना, मैं फाइट की बात कर रहा हूँ। मैंने फाइट नहीं करनी, लड़की है यार हमारी बात। तो भाई जान उसने कहा है किसी दूसरे के साथ फाइट करनी है, मेरे उसके साथ भी नहीं करनी। अच्छी सोच रखो। लड़ाई होगी? लड़ाई होगी इसकी भाभी की। हाँ अच्छा। सर आ गए थे भाई जान, एंड भी आए हैं 20 मिनट रह गए थे, अटेंडेंस वगैरह लगवा दी है। जो मेन मकसद होता है ना वो हमारा पूरा हो गया। वो भी सही भाई, अटेंडेंस ही हमारा मेन मकसद है लेक्चर से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो हमारा मेन मकसद है यूनिवर्सिटी आने का, वो हमारा पूरा हो गया। हमारे बड़े ही नेक सर आ रहे हैं, हमारे बहुत ही नेक सर गुजरे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ाया गया था। स्टैट्स स्कैच में मैं पढ़ाई थी, ठीक है। अब हम मशीन लर्निंग का लेक्चर लेने जा रहे हैं ए ब्लॉक के अंदर, ठीक है। रमजान की सीढ़ियाँ चढ़ने का अपनी मर्जी। मेरा ख्याल है ऊपर ऊपर है लेक्चर भाई। गलत आ गया भाई। ये जहीम की वजह से भाई हम गलत गए हैं। ए 1.2 में था, ये 2.1 में जा रहे थे हम। भाई मैंने टाइम टेबल देखा ही नहीं था। आपकी कैमरी निकल आई है? फकीर के लिए कैमरी निकल आई है। अबे साले नाटंगर। ये दूसरे सर आ गए जी। अभी मशीन लर्निंग का भी लेक्चर ले लिया और अब फ्री हो गया, लेकिन मेकअप लेक्चर सर क्या कह रहे हैं, कितने बजे है? 1 से 2 मेकअप है, मगर अभी बाकी मेकअप है। मेकअप करना आपने भाई? दोबारा मशीन का
भैया अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्लास लेने जा रहे हैं। कहाँ पे? क्लास लेने नहीं जा रहे हैं। क्लास में अंदर ही नहीं, पढ़ने जितना पढ़ना था। अब हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने जाएंगे, इंजॉय। ये हमारे सी ब्लॉक की बिल्डिंग है। इंशाल्लाह हमजा भाई टूर करवाएं यूनिवर्सिटी का इनको। नहीं यार, टूर करवाना अपनी यूनिवर्सिटी का इनको एक ना एक दिन। ये हम तीन दोस्त सिंगल जो रिलेशन में है वो लेक्चर के बाद गायब हो जाती है ना सही। सिंगल लाइफ अच्छी है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। क्या कह रहे? अफसोस यार, अफसोस। सॉफ्टवेयर हाउस ऐसे जी पढ़ना है लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस बाहर ही खड़े हुए हैं सारे। यहाँ बैठ के हम पढ़ रहे हैं जी सीढ़ी में। ये तो पढ़ लिया था। मेकअप लेक्चर का इंतजार है बस। पढ़ने आए हो फिर? भाई की बातें सुन रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। Sometime later. अब हम जा रहे हैं जी मेकअप क्लास लगाने के लिए। और ये सारा टाके नहीं है। B12 में मेकअप क्लास होगी। रोजे में फहराई जा रहे हैं, सैर करवाई जा रहे हैं। समझ नहीं लग रही कर क्या रहे हैं। ये जी कंस्ट्रक्शन हो रही है रोजों में, रोजे में चलाई जा रहे हैं। अब मेकअप क्लास में जा रहे हैं। इसका ज्यादा हमें लेदर स्वाद मिलेगा ना। मैं इसका भाई क्लासेस लेने का है ना, एक्स्ट्रा क्लास है। हां क्या बात है, एक्स्ट्रा क्लास का ज्यादा स्वाद मिलेगा। कुछ भी नहीं है, रोजे में फिर ही जा रहे हैं पागलों की तरह। समझ लगे तो फिर की बात है। वो सी ब्लॉक फिर घूम के डी ब्लॉक आए हैं सिर्फ एक लेक्चर लेने के लिए। नहीं होना चाहिए यार, रोजे में तो बंदा थोड़ी सी फ्री कर दे स्टूडेंट्स को। चलो बाकी क्लास में जाके मिलते हैं। लोग क्या सिस्टम है? ये इफ्तारी का सीन कर रहे हैं सारे खड़े हुए। और इफ्तारी का डन हो गया भाई जान? हो गया हो गया हो गया, डन हो गया। जाना की तरह क्राक हो रहा है। बिलाल करवा रहा है हमारा सीआर। बिलाल करवा रहा है। इस भाई ने भी इफ्तारी करना नहीं है। मुमताज भैया आप अफतारी करा रहे हैं? ज़ेम को तो खुद किसी ने करानी है। ये इनका भी डिसाइड ही हो रहा है कि अफतारी करनी किधर है और करवानी किसने है। ठीक है, 12 बजे छुट्टी है, अब घर जा रहे हैं तो बस इधर ही लेक्चर लेके अब घर जाएंगे हम भाईजान। ठीक है, यही हमारी रूटीन है, कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है। दो लेक्चर थे, एक मेकअप लेके तीन कर दिए हैं। आवाम भी जा रही है सारे। लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके फिर।